friends, welcome to the Chanel. If you're new here, I am Neha Khan Rajput and I just make random yet fun vlogs. So in this video, I'm taking you guys to Ziyarat with me. Ziyarat is a hill station which is around 2.5 to 3 hours drive away from Quetta. And it's known for being the last resting place for Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. It's literally one of the most scenic routes, chahe jo bhi season ho, har season ki apni beauty hoti hai. I went in December. Also, by the way, Ziyarat is also amongst the coldest places in Pakistan, to kaafi sardi hoti hai yahan pe. Hi friends, we are in Ziyarat. Hum abhi aaye thode der pehle, phir khana liya नीचे एक ढाबे से और अब हम ऊपर आके खाना खा रहे हैं. बाय नीचे आई मीन बाजार और ऊपर यहाँ पे दिस एंटायर स्टेशन और स्टॉप और पॉइंट इज कॉल्ड बाबा खरवारी. अब बाबा खरवारी का मज़ार है नीचे. आई विल शो इट टू यू गाइस. सो हम यहाँ पे आके देन व्हाट वी डू नॉर्मली इज दैट वी कुक. हर साल सामान लेके आते क्वेटा से खाने पकाने का एंड देन वी कुक. बट दिस टाइम हमारे पास बहुत कम टाइम था बिकॉज जो घर है हमारा इन क्वेटा वो अभी नया नया मेरे पापा उसमें मूव हुए थे एंड हमें उसकी पूरी सेटिंग वगैरह करनी थी. तो पूरी पूरा ट्रिप सफाइयों में और सेटिंग्स में और सब के अंदर ही गुजर गया. सो घूमने का इतना कम टाइम मिला एंड कल रात को बढ़िया कि लास्ट मोमेंट पे वी डिसाइडेड कि वी जस्ट गोना गो टू ज़ियारत बिकॉज अब आगे दिन कम रह गए बिफोर वी हेड बैक टू क्वेटा कराची. सो दैट्स व्हाई अब वहाँ से खाना लिया था तो जस्ट गॉट इट. इतना कोई अच्छा खाना नहीं था बट बस पेट भर गया. आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. एंड सर्दी अच्छी खासी है यहाँ पे. मैंने अंदर दो लेयर्स पहनी हुई है और ऊपर के लिए भी आई हैव ब्रॉट जैकेट एंड ऑल बट वो भी मैंने गाड़ी में रखी हुई है बिकॉज I'm gonna take pictures and stuff and then I'm gonna wear the jacket because मुझे pictures और videos अपने full outfit में चाहिए थी. So that's why थोड़ी बर्दाश्त कर लूँगी सर्दी. It's kind of cold. I always love this place. जितना सुकून मुझे यहाँ आके मिलता है दुनिया में कभी कहीं जाके नहीं मिलता. एक अजीब सी खामोशी है यहाँ पे एंड दूर की आवाज़ें भी बड़ी गूंज के आती हैं उसकी वजह से. सो इट्स जस्ट अ वेरी काम पीसफुल सरीन स्पेस. आई लव इट. आई लव दिस प्लेस. आई जस्ट लव इट. सो आई एम जस्ट गोना शो यू गाइस अराउंड. और अब भैया ने खाना खा लिया है. आई एम गोना आस्क हर टू टेक माई पिक्चर्स एंड आई एम गोना टेक हर पिक्चर्स एंड देन आई ऑल्सो वॉन्ट हर टू मेक अ फ्यू वीडियोज ऑफ मी ताकि मैं रील्स बनाऊँ. आई डोंट नो अगर अच्छी बनेगी या नहीं बट आई ट्राई. सो आई विल चेक इन विद यू गाइज शो यू गाइज अराउंड. बहुत प्यारी जगह है. आई जस्ट लव इट. बचपन से अभी तक का फेवरेट पिकनिक स्पॉट फॉर मी फॉर एवर. ऊपर से नहीं चले कहाँ है? Okay, I'm gonna try to go down with my hands up in the air. Zuhair भाई मैं आपको
सबसे बुरी जो चीज़ होती है ना इन पॉइंट्स पे, वो ये जब दूसरी फैमिलीज आ जाती हैं और फिर आपका सारा मूड ख़राब कर देती हैं। हम पिक्चर्स भी नहीं ठीक से ले पाए है वो, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द कार एंड देन वी आर गोना गो बैक टू द बाजार एंड हैव चाय एंड देन गो बैक टू बेटा आई गेस। बहुत ही शॉर्ट, हद से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिप थी ज़्यारत की, बट जस्ट टू गिव यू गाइस एन आइडिया। Did you know Ziyarat is also home to the largest juniper forest in the world? Juniper ko Urdu mein sanobar kehte hain, by the way. Aur jaise hi Ziyarat kareeb aane lagta hai na, you can literally smell it in the air, the divine fragrance of juniper. And trust me when I say this, but it literally stays with you. I've always been fascinated with the unique beauty of Ziyarat, bachpan se hi, the subtle fragrance of juniper in the air, the mountains, jo roads hai wahan ke, and ek cheez jo main is vlog mein nahi dikha saki, but I promise in future main aapko zarur dikhaungi, the sky at night, oh my god, itna clear sky, the stars are literally shining through, kyunki yahan pe na raat ko 8 baje light chali jati hai. And because Ziyarat is also around 2500 meters higher than the sea level, तो बहुत clear और बहुत प्यारा night sky दिखता है यहाँ से। Also, by the way, Ziyarat में fans वगैरह का कोई concept नहीं है, summers में भी यहाँ पे सर्दी रहती है। ट्रिप तो यहाँ तक ही था, बट आई एम गोना ऐड क्लिप्स फ्रॉम द ट्रिप आई मेड विद माई फैमिली बैक इन 2021। आई जस्ट थॉट इट वुड बी नाइस टू शो यू गाइस अ बिट मोर सीनिक व्यूज बिकॉज व्हाई नॉट। आई स्पेंट अ होल ईयर इन क्वेटा बिटवीन 2020-2021 because I was laid off from my job at that time in the process of downsizing during the pandemic. This is one of those trips. We stayed the night there. So mere paas kuch clips the which I decided to add in here. बड़ी धूप धूप थी, गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे सनसेट हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा रेस्ट हाउस है, आगे चलते हम लोग यहाँ नेट। Thank you guys so much for watching. I'll see you soon. Till then, take care. Bye bye.